नवी मुंबई के 5,500 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियों के चुनाव की घोषणा हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सह निबंधक डॉक्टर केदारी जाधव ने बताया कि ऐसी सोसाइटियां जिनकी सभासद संख्या 250 से कम है और जिनका चुनाव कोविड महामारी या अन्य कारणों से नहीं हो सका है, उन्हें 2 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन सोसाइटियों में प्रशासक नियुक्त हैं वहां निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने सह निबंधक कार्यालय से संपर्क करने की भी अपील की। चुनाव नियमावली की जानकारी देते हुए सह निबंधक डॉक्टर केदारी जाधव ने कहा कि निबंधन विभाग शीघ्र और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सोसाइटी पदाधिकारियों को हर तरह की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिडको एरिया में हमारे पास कुल मिला के 10,000 सोसाइटी है, लेकिन लास्ट 3 साल से इलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए 5,500 से ज़्यादा जो 250 मेंबर है और उसके नीचे है, इन सभी सोसाइटी का जिनका इलेक्शन ड्यू था उनका इलेक्शन लेने के लिए परमिशन 16 सितंबर 2021 में दिए। सबसे महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन के लिए आप किसको इलेक्शन ऑफिसर चुन सकते हो। इलेक्शन ऑफिसर चुनने के लिए हमने एक पैनल बनाया है जिसको हम ई क्लास सोसाइटीज इलेक्शन पैनल बोलते हैं, उसको स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल दिया हुआ है। और दूसरा, जो मेंबर आपका हो जिसको इलेक्शन का उसने स्पेशल ट्रेनिंग लिया हुआ है वो ये इलेक्शन कर सकता है। ट्रेंड बंदा नहीं होगा तो इलेक्शन गलत प्रोसेस से होगा, वो गलत प्रोसेस से हुआ इलेक्शन इनवैलिड इलीगल होता है, तो फिर हमको वापस वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ता है। सो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपरली लीगली इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। सेकंड थिंग, अभी 250 के नीचे जहां प्रशासक या प्रशासकीय कमिटी है या प्राधिकृत अधिकारी है वहां हम आपको, वो हमारे ऑफिस से संपर्क करें, हम आपको वहां इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके देंगे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से इलेक्टेड कमिटी ही अपॉइंट कर सकती है, प्राधिकृत अधिकारी उनका इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन की प्रोसेस फॉलो करने की पूरी जिम्मेदारी हम इलेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं। सभी सोसाइटी जिनका इलेक्शन ड्यू है और आगे जाके होने वाला है उनको मेरी दरखास्त है कि आप प्रॉपर इलेक्शन पैनल से या प्रॉपर ट्रेंड इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करके इलेक्शन ले लीजिए। इस अवसर पर लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट चंद्रकांत निकम एवं कुछ सोसाइटी पदाधिकारियों ने पहली बार पैनल पद्धति से हो रहे सोसाइटी चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सह निबंधक ने जिस तरह से कार्यप्रणाली तय की है उससे पारदर्शी और विवाद मुक्त चुनाव कराने में मदद मिलेगी। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। कोई सोसाइटी का इलेक्शन ऑफिसर नहीं होता है तो ही अपने को डॉक्टर केदारी जाधव जॉइंट रजिस्ट्रार इधर से आपको एडवाइस मिलते जाएगा, फेडरेशन आपको एडवाइस करते जाएंगे और यही पैनल का आपको इलेक्शंस प्रॉपर जो वे बनाए महाराष्ट्र शासन का नियमा के पालन से करके देने के लिए ये प्रोसेस किया है। कोविड में 2 साल से इलेक्शन नहीं हो वहाँ भी इलेक्शन होके प्रॉपर लोकशाही मार्ग से संस्था चलेगी। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट डॉक्टर जो भी डिपार्टमेंट ने काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।